देश को पेड्रो सांचेस टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की सौगात दी। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेस टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस कॉम्प्लेक्स में टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से C-295 विमान बनाए जाएंगे। ये भारत में निजी क्षेत्र की पहली यूनिट है जिसमें अलग अलग जगह पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाया जाएगा। इस योजना में कुल 56 विमान शामिल हैं, जिनमें से 16 स्पेन से एयरक्राफ्ट एयरबस द्वारा सीधे डिलीवर होंगे, जबकि बाकी 40 विमान को भारत में बनाया जाएगा। तो आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। आज भारत ने एक और छलांग लगा दी है, क्योंकि स्पेन के पहले तो पीएम के साथ वो रोड शो करते हैं और टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की सौगात भारत को पीएम मोदी ने दी है। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। बहुत खास हो जाता है, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में भारत का दबदबा कायम रहेगा। आपको बताएं कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन हुआ है, इसके जरिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनेंगे। स्पेन और भारत के बीच 56 विमान बनाने का समझौता हुआ है और इसमें देश में पहली बार निजी कंपनी मिलिट्री के लिए प्लेन बनाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए बहुत अहम हो जाता है। आप पीएम मोदी को देख सकते हैं, भव्य ये समारोह यहाँ पर हो रहा है। और जो ये कॉम्प्लेक्स है, टाटा कॉम्प्लेक्स, देश का पहला निजी फाइनल असेंबली लाइन है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी है, ताकि सैनिक हैं हथियार, ईंधन और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो आप अहमियत समझिए ट्रांसपोर्ट विमान की। इसमें सैनिक हो, चाहे फिर हथियार हो, ईंधन हो, हार्डवेयर हो, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जा सकता है। और इसमें C-295 कम वजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। तो ऐसे में रक्षा के क्षेत्र में C-295 की क्या अहमियत है, ये आप समझ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ऐसे में अब भारत में ये तैयार होंगे, सबसे बड़ा निवेश इसे कहा जाएगा। जो C-295 विमान होते हैं, ये 2 लोग उड़ाते हैं। इसमें 73 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स या 12 स्ट्रेचर इंटेंसिव केयर मेडवैक या 27 स्ट्रेचर मेडवैक के साथ 4 मेडिकल अटेंडेंट सफ़र कर सकते हैं। अब आप इसकी क्षमता की अगर हम बात करें, तो एक बार में 9,250 किलोग्राम वजन ये उठा सकता है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देश को बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दी है। स्पेन के पीएम के साथ वडोदरा में पीएम मोदी रोड शो करते हैं। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है और इसके जरिए C-295 विमान भारत में तैयार होंगे। स्पेन के साथ बड़ी डील हुई है और ऐसे में ये विमान ट्रांसपोर्टेशन में अहम भूमिका निभाएंगे।